पुलिस वाले को बोले तो बोले मैडम अब क्या होगा, सो आप थाना जाइए। हम बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है, यहाँ से 10 रुपया भी नहीं है जो जाएंगे। तो रिक्शा पर बैठाया, कहा जाइए थाना। घर का भी मोबाइल नंबर नहीं था हमको पता, तभी याद नहीं आ रहा। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जहां एक शिक्षिका से दिन दहाड़े लगभग 2.25 लाख रुपए छीनकर फरार हो गया है। यह घटना नगर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर रेलवे केविन के निकट स्थित NH 31 की है। शिक्षिका की पहचान लोहिया नगर उपी क्षेत्र के वार्ड संख्या 28 लोहिया नगर पूर्वी के रहने वाले अरविंद कुमार सिंह की पत्नी शिक्षिका शीला सिंह की है। बताया जाता है कि प्रीता के घर में लड़की की शादी समारोह होने वाले हैं और उसके लिए ही वह रुपए निकाल कर घर जा रही थी। उन्होंने बताया कि SBI बैंक से 1.5 लाख रुपए निकाल कर ई रिक्शा से अपने घर की ओर चली थी, तभी प्रेस क्लब से पहले पोखरिया स्थित सड़क पर पहुंचते ही पहले झपट्टे मारकर बैग छीनने की कोशिश की, जहाँ असफल हो गया और दुस्साहस का परिचय देते हुए आखिरकार NH पहुंचते ही बदमाश रुपये एवं गहना और चेकबुक सहित अन्य कागजात से भरे बैग लेकर फरार हो गया। प्रीता ने बताया कि मध्य विद्यालय रतनपुर से लौटकर SBI बैंक पहुंची, जहां चेकबुक से उसने 1.5 लाख रुपए की निकासी कर ई रिक्शा से घर जा रही थी। तभी मुख्यालय स्थित प्रेस क्लब के प्रवचकों ने गोद में पड़े बैग पर झपट्टा मारा, जहां महिला ने अपने लेडीज पर्स को बचा लिया, लेकिन शिक्षिका जैसे ही ई रिक्शा से लोहिया नगर रेलवे के विंग के सामने स्थित NH 31 पहुंच रिक्शा वाले को किराया देकर पैदल चलना चाहिए, तो वहीं बाइक सवार दो चक्कों ने बैग छीन कर फरार हो गया। शिक्षिका ने बताया कि वह हाईवे सड़क पर दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे ट्रैफिक चौक तक आई, लेकिन तब तक बाइक सवार दोनों बदमाश भाग गए। उन्होंने बताया कि 1.5 लाख के अलावा भी बैग में पहले से 20-25 हजार रुपये थे। रोते बिलखते प्रीता ने घटना की शिकायत यातायात पालन करवाने के लिए तैनात पुलिस जवान से की, जहाँ उन्हें नगर थाने जाकर शिकायत करने की सलाह देकर पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया। थका कर महिला नगर थाना पहुंची और घटना के लिए शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की गुहार लगाई है। BNP न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। मेरे लिए स्कूल रतनपुर से छुट्टी हुई तो बैंक गए, SBI बैंक नगर पालिका में जो है, वहाँ चेकबुक से के द्वारा 1.5 लाख रुपया निकाले। और फिर कुछ काम था ATM का, जिसका चेकबुक मेरा ख़त्म हो रहा था, ATM भी एक्सपायर कर गया था, सबके लिए अप्लाई करना था, तो सब अप्लाई किए, तो पैसा लिए बैग में रखे और बाहर निकले। उस समय भीड़ उतनी नहीं थी बैंक में, बाहर रोड पे एक रिक्शा था, रिक्शा वाले से पूछे जो ये लोहिया नगर ढाला चलिएगा, अभी तो साइड से ही ले जाता है रिक्शा, मेन रोड होते हुए तो जाता नहीं। अकेले हम बैठे, रिक्शा लाया डॉक्टर मृदुला के पास, जो आया पास गए तो कोई एक थे जेंटलमैन एजेंट थे, वो बैठे उसी रिक्शा पे, वो इस साइड से थे, हम इस साइड से थे। वहाँ से फिर टर्न जो लेता है रोड, जो रामाश्रय सिंह के सामने जो चौराहा है, हाँ, तो चौराहा से पहले मतलब पोखरिया से जो जाता है रोड प्रेस क्लब बीच, हाँ, बीच में वहीं पर क्या किया कि पीछे से आया और मेरा बैग झपटा, समझ गए, बैग को मैं से पकड़े हुए, बैग झपटा, बस बैग का ये हैंडल एक तरफ का टूट गया, लेकिन बैग मेरे पास ही रहा। फिर तो हमको डर हो गया बहुत, हम रिक्शा वाले को बोले भी, भीड़ आगे भी ऐसा होगा क्या, देखिए रखिए रखो, तो बहुत डर लग रहा। अब वहाँ सुनसान था थोड़ा, रिक्शा वाला बोला जो मैडम अब तो भाग गया होगा, चला गया, देखिए जो उजला और ब्लू का वो शर्ट पहने हुए था, समझे, और उसका बाइक मतलब चल ही रहा था, मेरा भी रिक्शा चल ही रहा था। फिर उसके बाद क्या, वहाँ तो डरे सहमे थे ही, NH पर चढ़ाया मीरा नर्सिंग होते हुए, जैसे ही डॉक्टर संजीव कुमार का क्लिनिक जो पहले जो था उसके सामने हम उतरते, क्योंकि हमको तो लोहिया नगर जाना था, वहाँ उस बैग टूटा हुआ जिसका हैंडल था टूटा हुआ बैग को एक थैला था, थैला में हम रखे, सोचे हम तो अपने जगह पर आ गए, रिक्शा वाले को निकाल करके 15 रुपया साइड से दिए, पैसा लिया, तब तक सही है। जैसे ही हम बैग को उठा करके उतरना चाहे, बस वो झपट के
बैग सहित। हाँ बैग सहित। कितना रुपया था उसमें? 1.5 लाख तो कल निकाले ही थे ना चेक के द्वारा। 1.5 लाख रुपया था जो मतलब तुरंत निकाले थे उस समय। उसके बाद उससे पहले भी 25,000 करीब रुपया था। गहना था कुछ घर में, शादी, हाँ शादी है उसके लिए कुछ कुछ सामान इधर से लौटते थे तो खरीदते जाते थे। किन की शादी है? देवर की बेटी की शादी है। कब शादी होना है? इसी अप्रैल में है, 27 अप्रैल को। 22 अप्रैल को तिलक है, 27 अप्रैल को शादी। उसमें पेपर, सारा पेपर मेरा उसी में। 1.5 लाख तो मतलब निकाले थे सो ना, 1.5 लाख है। अच्छा। उसके अलावा 20-25 हज़ार रुपया था उसका, तो हम काउंटिंग किए नहीं थे। जेवर भी? हाँ। जेवर कौन सा? पायल था, बिछिया था, एक अंगूठी भी था। मतलब धीरे धीरे हमको याद आ रहा है सब चीज का। मोबाइल था, पेपर सब देखिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हम लोग का जो टीचर वाला पैन कार्ड होता है, सो वोटर आईडी, चेक बुक, पासबुक, तो सारा चीज मेरा उसी में। क्या भय तो बना हुआ है ना, आज भी हम स्कूल आए थे एकदम डरे हुए, अभी भी मेरा पैर हाथ अस्थिर नहीं हो रहा है। तब वहाँ से सोचिए उसके पीछे हम, रिक्शा वाला भी छोड़ दिया, रिक्शा से तो उतर गए, इतना होश नहीं जो उसी रिक्शा वाले को हम आगे बढ़ें। वहाँ तक हम मतलब तेजी से चलते गए, पैर का एक ठो पायल भी खुल के कहाँ फेंका है वो भी नहीं पता चला। वहाँ जब गए ट्रैफिक पर गए तो वहाँ फिर एप्लीकेशन लिखवाया बड़ा बाबू, अब बैंक हमको ले गए, बोले चलिए बैंक जाते हैं सीसी फिर हम देखेंगे। वहाँ पूरा खंगाले, वो मैनेजर भी थे, मैनेजर साहब भी थे, लेकिन हमको कहाँ पता, हम तो बस वही शर्ट से ही ना पहचानते थे और तो कोई मेरे पास कुछ सबूत था नहीं उसका। कितने आदमी था बाइक पर? दो। वही आदमी था जो यहाँ भी झपट्टा मारा, वही था जो हम केवल शर्ट से हम पहचाने, जो वही है उजला ब्लू चेक का शर्ट पहने। तो लगभग क्या लग रहा है, 2 लाख के लगभग? 2 लाख के लगभग? 2 लाख के लगभग होगा नहीं, बच्चे की शादी थी। थाना के द्वारा अभी तक क्या आश्वासन दिया? क्या अच्छा, घर से जो फोन कर रहे थे ये लोग हमको, तो अपना मोबाइल नंबर भी उस समय होश में नहीं थे, याद आता नहीं, याद आ रहा था। तो घर फिर थाना के द्वारा पहुंचाया गया हमको, बड़ा बाबू खुद लेकर के गए गाड़ी से, घर से थोड़ा दूर आ गए ही फोन पर रहे, फिर घर गए। तो वहाँ से उन लोग का कहना था, घर से सब लोग फोन कर रहे थे क्योंकि हमको लेट हो गया था जाने में, तो रिंग पूरा पूरा पास होता था। घर में अलग टेंशन था जो कहाँ है अभी तक फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही। तब फिर थाना लेकर के मेरा बेटा आया तो वो वाला मोबाइल नंबर लिखवाया जो चालू था, तो बड़ा बाबू थे नहीं तो आश्वासन दिए कि इससे लोकेशन का पता चलेगा हम आपको। तब फिर 6:30 बजे करीब उनको फोन गया, फिर उसी पर हम ही लोग फोन किए, फोन तो बजता ही था मेरा। तब पता चला कि मोबाइल मिला है, समझ गए कहाँ से मोबाइल, कहा गया जो ग्लोकल के पास झाड़ी में था फेंका। आपके जो मोबाइल पर्स में थी वो मोबाइल? हाँ वही, यही मोबाइल था झाड़ी में। हाँ उनका कहना है, क्या मोबाइल वाले जो क्या उनको कहा जाता है, जो दो आदमी नहीं जो जाते हैं मोबाइल टाइगर वाले? हाँ टाइगर मोबाइल वही। तब मेरा बचवा गया था ना, कॉल हुआ था तो गया तो बोला जो मोबाइल मिला उसी बैग में तो उसका सारा पेपर भी था, पैसा भी था, ऑर्नामेंट्स भी था, तो केवल मोबाइल, तो बोला गया जो हाँ फेंका हुआ मोबाइल था। ये घटना की कितना देर के बाद आपको मोबाइल मिली थी? घटना तो 12 बजे घटी, ये तो 6 बजे के बाद मिला है। हाँ तो क्या बजे की घटना है ये? 12 बजे करीब। क्या नाम हुआ आपका मैडम? शीला सिंह। 12 बजे दिन की घटना। क्या आप शिक्षिका हैं क्या?